मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं सृजन बाल वाटिका ए नेचुरल प्ले प्रेपरेटरी स्कूल, एक प्राकृतिक बाल आश्रम जो सृजन सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट मुजफ्फरपुर के द्वारा संचालित किया जा रहा है इनके कार्यालय में। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके जो फाउंडर हैं, जो मुख्य ट्रस्टी हैं, जिनका ये कंसेप्ट है, इस बाल वाटिका को कैसे चला रहे हैं, क्या इनका संदेश है और किस प्रकार की सुविधा ये देश भर में फैलाना चाह रहे हैं हम जानना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं अधिवक्ता और समाज सेवी श्री अखिलेश राय जी, तो आप बताएंगे अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के विषय में पूरे विस्तार से। मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश चंद्र राय हुआ और मैं सृजन ट्रस्ट का फाउंडर हूँ और सृजन बाल वाटिका एक नेचुरल प्ले पब्लिक स्कूल है और जिसका क्रिएशन मैंने किया है जी। और इस विद्यालय की सोच लॉकडाउन के पीरियड में जी मैंने क्रिएट किया जी, कि देश में तीन महत्वपूर्ण समस्याएं मुझे सोचने का अवसर मिला जी। उस तीन में से सबसे पहला था कि प्राकृतिक जो हमारी संपदा है वो विनष्ट हो रही है जी। दूसरा है कि जो हमारे देश में सांस्कृतिक संपदा है वो भी नष्ट हो रही है और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सबके पीछे का जो कारण है वो कारण है हमारी शिक्षा प्रशिक्षण पद्धति जी। तो हम इन तीनों का बचाने के लिए सृजन बाल वाटिका का निर्माण किए हैं और हमारी संस्था का मोटो है कि पूरे भारत में इसकी ब्रांच खोली जाए। कैसे इसको पूरे भारत पहुंचाएंगे, इसलिए क्या कार्य योजना है आपकी? हम लोग बहुत ही सामान्य शुल्क पर पूरे भारत में इसे पहुंचा रहे हैं फ्रेंचाइजी के माध्यम से और उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से स्कूलों का जल्दी खुलेगा और जल्द से जल्द समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा जी। कैसे सोच आपकी ये विकसित हो पाई और कितने लोग आपके बोर्ड में हैं और कैसे इसको आप क्या उम्मीद करते हैं, कितना जल्दी ये विस्तारित कर पाएंगे बिहार के सभी जिलों में और भारत के सभी राज्यों में? हमारी संस्था का प्रयास जारी है और इस कार्यक्रम को तैयार करने में 3 से 4 प्रमुख लोग हैं जिनके मतलब मेरे सोच के साथ वो मिले और उसमें हमारा सहयोग किया जी। और उसके बाद ये जाकर के पूर्ण रूप से तैयार हुआ है और रहा इसके विस्तार करने का, तो विस्तार करने के लिए हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बहाली कर रहे हैं जिसके माध्यम से जल्द इसका विस्तारीकरण हो जाएगा और इस योजना को चलाने में सुविधा होगी। अब तक कहाँ कहाँ इसको फैलाया गया है और किस किस जिले में इसके प्रयास किए गए हैं? अभी इसका संचालन शुरू होने जा रहा है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जी, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, मोतिहारी में, बेतिया में और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, फिर हरियाणा में फरीदाबाद में। उन 3-4 साथियों के नाम जो आपके साथ लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं उनके नाम बता दें। इसके संचालन और इसके तैयारी के प्रयास में लगे हुए लोगों का नाम हुआ श्री गणेश प्रसाद सिंह जी और सुमन ब्रिज जी, राजेश चौधरी जी और रवि भूषण जी जी। निश्चित रूप से आपका प्रयास बेहतर है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक नए तरह की पर्यावरणीय सोच के साथ नूतन व्यवस्था, नई शिक्षा नीति के अनुरूप आप व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसकी खासियत क्या क्या होगी, इसमें कौन कौन से विषयों को आपने छूने का प्रयास किया है, पाठ्यक्रम के विषय में कुछ बताएं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्ले सेक्शन में जब आप बच्चे को किसी भी विद्यालय में भेजते हैं जी, तो प्ले सेक्शन में बच्चों की समस्या को समझने के लिए शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित नहीं मिलते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग सभी चयनित विद्यालयों के चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण खुद दे रहे हैं जी और इसके माध्यम से उन्हें ये बताना की जरूरत है कि पहले तो नैसर्गिक कैंपस हो, नैसर्गिक कैंपस में नैसर्गिक तरीके से बच्चे के ब्रेन को कैसे आप रीड कर सकते हैं और रीड करके उन बच्चों के साथ आप कैसे एक्ट करें कि बच्चे उस एजुकेशन की तरफ मोटिवेट होकर के आगे बढ़े। ये
तो हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से आप बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, क्या क्या आपकी सोच है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से अंश पर ज्यादा आप ध्यान देंगे, हमारे अभिभावकों को और न्यूज बिहार इन टाइम के दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर किताबों का बोझ बहुत ही कम कर दिया गया है जी। केवल महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो शुरुआती दौर में चाहिए बच्चों को वो है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसके अलावे उनके ब्रेन को ओपन करने के लिए तरह तरह की गतिविधि डिजाइन की गई है जो रेगुलर चलेगी, यानी कि प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटे का सेशन है जो बच्चों को सिखाया जाएगा और उसमें उनके ब्रेन को ओपन करने के लिए माइंड गेम की तैयारी की जा रही है, ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग के माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है, एक्ट के माध्यम से। ड्रामा एक ऐसा कल्चर है जिससे बच्चों को तरह तरह की विधाएं और कहानियां सिखाई जा सकती हैं और उन्हें वो कैरेक्टर भी याद हो जाते हैं। हमने सुना है कि आप योग और ध्यान और मंत्रोच्चारण वगैरह भी सिखा रहे हैं, इसमें शामिल कर रहे हैं। ध्यान, योग और संगीत का विशेष संगम यहाँ किया गया है क्योंकि संगीत और ध्यान और योग ये तीनों चीजें मिल करके हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ भी रखती है और खोलती भी है, तो इसलिए इस पर विशेष फोकस किया गया है ताकि जब बच्चे आगे की पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, जब वो थोड़े मैच्योर हो जाएंगे 3-4 क्लास तक पहुंचेंगे, तो वहां से उनको वही ध्यान, योग और संगीत उनको एनर्जी देगा। और जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क का विकास होता है, इसके मद्देनजर आपने बच्चों के खेल की सुविधाएं के साथ साथ योगा की भी सुविधाएं करवाया और आप उनके स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली के विषय में भी, प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में भी, स्वास्थ्यचर्या के विषय में भी कुछ बताने वाले हैं, ऐसा भी कुछ पाठ्यक्रम है। जीवन को आप नैसर्गिक मूल्य के साथ जोड़ना ही पहला उद्देश्य है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि प्रकृति छटा जो है, हमारी जो संपदा है वो खतरे में है और इन सबके पीछे हमारा रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन है, तो उस माध्यम को जब हम सीधा करेंगे तो हमारे देश में लोग प्रकृति का महत्व फिर से समझेंगे और नेचुरल लाइफ की तरफ अग्रसर होंगे। तो नेचुरल लाइफ की तरफ जब आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी जिंदगी से मेडिसिन दूर होते चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग उस प्राकृतिक मोटिव को भी लेके आ रहे हैं ताकि बच्चों की जीवन शैली जब हम नेचर के नजदीक जोड़ देंगे तो उनके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाएगी, उनके खान पान के तरीके बदल जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि सृजन बाल वाटिका के संस्थापक सदस्य श्री अखिलेश राय जी के विचार क्या हैं और किस तरीके से ये एक नई व्यवस्था देना चाह रहे हैं, एक नई सोच देना चाह रहे हैं। यदि हमारे दर्शकों को ये अच्छा लगी हो, अच्छी बातें लगी हो, तो आप इसे अधिक